हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 6. ओके. आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक द फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट. प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न. दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So, historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. One past or many. Did you notice the title of this book? Our past. We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craft persons, and so on. Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts. Here you see a pot from an old city. Pot like these were used about 4700 years ago. Here an old silver coin. Coins such as this one were in use from about 2500 years ago. Both are. Okay. In what ways is the coin different from the ones we use today? So, archaeologists ko jo evidence mile, usme animals, birds and fishes ke bones bhi mile. अब ये पता लगाना था कि लोग पहले खाते क्या थे. अब प्लांट्स जो हैं वो लंबे समय तक टिक पाना उनका बहुत मुश्किल होता है. हाँ, अगर सीड्स ऑफ ग्रेन, ग्रेन के जो सीड्स होते हैं या लकड़ियों के जो टुकड़े होते हैं वो अगर बच जाएं तो ठीक है, ठीक है. और अगर वो जले हुए फॉर्म में अगर वो जल जाएं तो हजारों सालों तक राख के रूप में रह सकते हैं. तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को कपड़ों के बारे में कैसे पता चला? तो हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस होते हैं, हिस्टोरियंस मीन्स होता है इतिहासकार, या जो पास्ट को जानने वाले विद्वान होते हैं, है ना. तो उन लोगों ने ये पता लगाया, उन लोगों को ये पता चला किन से, मैन्यूस्क्रिप्ट से, कि पहले किस तरीके के लोग कपड़े यूज़ करते थे. मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जैसा कि मैंने बताया कि जो पत्तों पर लिखे जाते थे, पाम ट्रीज मतलब खजूर के पत्तों में, या बिर्च की जो बार्क होती थी मतलब भोज वृक्ष की जो छाल होती थी उन पे, या तो इंस्क्रिप्शंस में, है ना, उनमें से आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने, हिस्टोरियंस ने पता लगाया. एक और सोर्स उन लोगों ने पता किया पास्ट पढ़ने का, ठीक है, पास्ट जानने का, पास्ट पढ़ने का, कंस्ट्रक्शन से, जो पहले के घर बने हुए होते थे या हट्स बनी हुई होती थी उनसे पता लगाने का कि उन लोगों ने कोशिश की. तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो क्या थे, एक प्रकार से डिटेक्टिव थे, जो पास्ट को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए क्लूज फाइंड करते रहते थे, देखते रहते थे, ठीक है. अब एक पास्ट था या बहुत सारे पास्ट थे? क्या आपने इस बुक का टाइटल देखा है, अवर पास्ट, हमारा इतिहास. हम ये वर्ड यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म में, ठीक है. तो ये जो पास्ट था डिफरेंट पीपल का डिफरेंट था, ओके, ग्रुप्स ऑफ पीपल, सभी का अलग अलग. फॉर एग्जाम्पल कि हर्डर्स या फार्मर्स का पास्ट कुछ अलग था, किंग्स और क्वींस का पास्ट कुछ अलग था, मतलब अलग अलग ग्रुप के जो मेंबर्स थे उन सब का पास्ट अलग अलग था. जैसे मर्चेंट का,
व्यापारी कैसे रहते थे, उनका पास्ट अलग था, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन का अलग। ऑल्सो आज भी हम देखेंगे तो अलग अलग रीजन में, अलग अलग पार्ट में, हमारे देश के अलग अलग पार्ट में अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग फॉलो होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टूडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आईलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। डिफरेंस सच एज दीज एक्साइटेड इन द पास्ट एज वेल। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept record of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology helped us to find out about their lives, there is much that remains unknown. What do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. Okay? For example, आज हम देखें तो जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं तो वो अपने फूड के लिए फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट उन्हें मिलता है वो कलेक्ट करते हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि जो लोग सिटीज में रहते हैं तो वो सिटीज पर डिपेंड रहते हैं कि जहां से भी जो भी खाना उन्हें सप्लाई होगा वो वहां से लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह पहले के भी जो लोग होते थे उन लोगों का भी सभी का अलग अलग पास्ट होता था, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रकार हैं डिफरेंसेस की, ठीक है। हम जानते हैं कि किंग्स जो होते थे, जब कोई बैटल वो लड़ते थे, कोई युद्ध जब लड़ते थे तो वो अपना रिकॉर्ड, अपनी जो विक्ट्रीज होती थी, है ना, उनको रिकॉर्ड करके रखते थे। रिकॉर्ड रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड करके नहीं, स्टोन कार्विंग कराते थे वो, मतलब पत्थरों पर लिखवाते थे या दीवारों पर लिखवा कर रखते थे, ठीक है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल क्या करता रहा होगा, हंटर्स, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, ये सारी फार्मर्स और हर्डर्स, ये लोग तो अपने डेली के काम का या और भी जो काम करते रहे होंगे उसका तो ये लोग अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ठीक है।